पंकज श्रीवास्तव जी, इस सवाल का जवाब दीजिए कि जब सरकार महंगाई पर और गंभीर विषयों पर चर्चा कराती है तो सदन के भीतर हंगामा होता है, ठीक है ठीक है, और फिर जब आप लोग टीवी डिबेट में आते हैं तो कहते हैं महंगाई पर तो ये सरकार चर्चा ही नहीं कराना चाहती, उत्तर प्रदेश में महंगाई बढ़ रही है उससे इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है, तो चर्चा फिर कहाँ होगी? चित्रा जी इससे बड़ा झूठ कुछ हो नहीं सकता। और चर्चा जिस सरकार ने कौन भाग रहा है? जिस सरकार ने, जी मैं बता रहा हूं, जिस सरकार ने कृषि कानून को न लाने पे चर्चा की न वापस लेने पे चर्चा की, आपको लगता है महंगाई पे चर्चा करना चाहती है? सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी का संवाद पर कोई भरोसा ही नहीं है। और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को अब परीक्षा देनी है, उसकी कॉपी आप शांत हो जाए। आपको न्यूट्रल मान के बैठाया गया है, हालांकि आप संघ मामलों के जानकार के रूप में अपने को पेश करते हैं। प्लीज शांत हो जाइए, इतनी सभ्यता रखिए। 15 मिनट से मैं सुन रहा हूँ। विशाल मिश्रा जी प्लीज शांत हो जाइए, मैं 15 मिनट से सुन रहा हूं, आप प्लीज शांत हो जाइए। अगर आप यहां इसलिए हैं, अगर आप इसलिए हैं कि बात नहीं हो पाए तो आप माफ करिएगा, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में बात कर रहे हैं। योगी सरकार को अब जवाब देना है। योगी सरकार की हकीकत यह है कि नीति आयोग ने कहा है कि देश में जो डबल इंजन की बात हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा। सबसे गरीब प्रदेश है और जहाँ ट्रिपल इंजन है बिहार, वो सबसे गरीब है। इसके अलावा यहाँ हत्या लूट बलात्कार में नंबर एक है। मणिदार पाटीदार जो IPS थे महोबा के, वो फरार है। 1 लाख रुपए का इनाम है। एक आदमी गोरखपुर जाता है कानपुर से वहां पर देखने के लिए कि साहब यहाँ क्या विकास हुआ है, पुलिस वाले उसकी हत्या कर देते हैं। जिस खाद कारखाने की आप बात कर रहे हैं, माफ करिएगा, 1968 में इंदिरा जी ने वहां कारखाना लगाया था और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2002 में उसे बंद कराया, 2008 में उसको फिर रिवाइव करने का पूरा पैकेज दिया गया। ये नूरा कुश्ते बंद करिए। आज खाद की किल्लत के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में लाठियां चला रही है पुलिस, लाठियां चला रही है किसानों पर पुलिस। खाद मिल नहीं रही है, जो रबी की फसल है उसकी बुआई नहीं हो पा रही है। और आप क्या यहां पर बहस को रोकने आए हैं? आप क्या अपने को बहस को रोकने आए हैं? आप सीधे पार्टी में शामिल हो जाइए, संघ का मुखौटा जो लेकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप काम कर रहे हैं, सीधे बात करिए ना। आज खाद की महंगाई ये स्थिति है, 300 रुपए की खाद 1300 रुपए इन्होंने की, वो मिल नहीं रहा है। जो रसोई गैस का सिलेंडर है वो 1100 रुपए का हो गया है, पेट्रोल 100 के ऊपर हो गया है, डीजल 70 मार रहा है। आज खेती का जो पूरा जो लागत है, आप कह रहे हैं कि सरकार की 2002 में तब खाद, ठीक है सर, तब बंद किया गया था उसको, थी वो वाहिनी बन गई है, उस पर कौन जवाब देगा? एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश का आम आदमी तड़प तड़प कर मरा है, इसका कौन जवाब देगा आखिर? अब मैं जवाब ले लेती हूँ जफर इस्लाम साहब से, ठीक है ठीक है, जफर इस्लाम साहब जवाब दीजिए, बिल्कुल किसी दूसरे से नहीं पूछा जाएगा। आप इस तरह से बहस को डिरेल करने की कोशिश मत करिए, आप बहस को डिरेल मत करिए। अरे सुनिए भाई, बहुत हो गया, सुन लीजिए, जफर इस्लाम साहब जवाब भी तो सुन लीजिए, ठीक है, आप लोगों की बात हो गई। जफर इस्लाम साहब, कई गंभीर मुद्दे हैं, कई गंभीर मुद्दे हैं जो विपक्षी दल लगातार आपसे सवाल उठाकर पूछ रहे हैं, लेकिन एक और सवाल इन सब के बीच, अब तक जो लड़ाई हम सब ने देखी अखिलेश वर्सेज योगी आदित्यनाथ की, उत्तर प्रदेश में दोनों की आमने सामने की लड़ाई थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूर्वांचल से एंट्री हो गई है, मोदी के चेहरे पर एक बार फिर से मिलेंगे वोट, और ये जो तमाम मुद्दे विपक्षी दल गिना रहे हैं, जनता को कैसे समझाइएगा कि महंगाई को लेकर सरकार का क्या पक्ष है? देखिए मैं समझाता हूं। पहली बात को अगर इन्होंने आंकड़े के बात करते तो मैं जवाब भी दे देता हूं, लेकिन चलिए मैं भी जवाब देता हूं, सबका एक विस्तार से जवाब देता हूं। पहले इन्होंने कहा कि स्टेट की जीडीपी के आंकड़े हैं। अरे भैया, अरे मौलाना साहब चुप तो रहो, आप ये मत कहिए कि आंकड़े नहीं है, सुन तो लीजिए, मैं ये मत कहिए, आपने सवाल पूछा था तो जवाब सुनने का धैर्य भी दिखाइए प्लीज सर, एक बार जब इंसान साहब को सुन लीजिए, देश में दोनों लोग साथ में बोलेंगे। अरे भैया श्रीवास्तव जी, काहे को चिल्ला रहे हो, पहले सुन तो लो, मैं भी तो जवाब दे रहा हूँ ना, जवाब भी दे रहा हूँ आपके सवालों का। आप कह रहे हैं आंकड़ों पे बात नहीं हो रही है, आप झूठ बोल रहे हैं। अरे आप मेरे कुछ बोले ही नहीं, आपके मानसिक तौर से आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या? मानसिक तौर से प्रॉब्लम है, आंकड़े से बात नहीं कर रहे इसलिए बता रहा हूँ। आपने तो कहा ना शुरू ही कर दिया कि आंकड़ों से बात नहीं हो रही है। अब जवाब तो सुन लीजिए, अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब सुनने का धैर्य दिखाइए प्लीज, एक एक करके अपनी बात तीसरे नंबर का गरीब देश को एक एक करके बात रखेंगे प्लीज, काहे को बेचैन, ठीक है, आपको सुनना नहीं है क्या? ठीक है सर, झारखंड भी है उसके पहले, बिहार भी है उसके पहले, झारखंड में तो आपकी गठबंधन की सरकार है, आप उस पर बोलिएगा सर, सुनिए एक सेकंड प्लीज, एक बार सवाल
करेगा। एक बार प्लीज उनका जवाब सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। लगातार दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। सर आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। जफर इस्लाम अपनी बात जल्दी से पूरी करें। सबको मत कर मियां कह दिया करिए, मियां तानसेन हुआ करते थे, आप नहीं समझ पाएंगे इस बात को। हाँ तो सुन लीजिए। अच्छा सुनिए तो बात, तो मेरी सुनिए, आपने जवाब सवाल उठाया, मैं कहता हूं सारी बात सुनेंगे देश को। अरे आप झूठ तो आप बोल रहे हैं, आपको बेचैनी किस बात की? मैंने तो जवाब भी दिया नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए। बेचैन होकर आप जो का बोल दीजिएगा, आपको परेशानी बताया। मैंने आपको बताया कि नीति आयोग कह रहा है कि डबल इंजन की सरकार देश के सबसे गरीब देश में बना दिया। कितने बार रिपीट करेंगे? सुन पहले नंबर का बिहार है, वो भी आप ही का है। नीति आयोग का पता है ना, आप ही का है। एनसीआरबी आप ही का है। पंकज जी आप थोड़ा शांत हो जाइए आप प्लीज, अदरवाइज मुझे आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा प्लीज। पंकज जी पहले नंबर पर बिहार है, दूसरे पर झारखंड है, जहां पर आपके गठबंधन की सरकार है, उसके उसका भी एग्जांपल दे दिया करिए। गरीबी के मामले में एक उंगली सामने पर उठाएंगे, तीन खोद के ऊपर इशारा करेंगे, ठीक है सर? और गरीबी को दूर करना हर एक सरकार की जिम्मेदारी, बिल्कुल पता है मुझे, ठीक है। मैं आ रही हूँ उत्तर प्रदेश पर, आप लगातार आप देखिए पंकज जी, लगातार आप बोलेंगे तो उनसे जवाब कैसे लेंगे? या तो आप तय करके आए हैं कि जवाब आपको नहीं लेना है, केवल सवाल पूछना है, तो बताइए सर, मैं चुप कर देती हूँ। 15 मिनट तक हमें बोलना ही नहीं देंगे, मैं चुप कर देता। देखिए चित्रा जी, आजकल सर अब उत्तर प्रदेश पर डिबेट हो रही है, तो मुझे कम से कम उत्तर प्रदेश में पार्टियों की स्थिति क्या है उसके हिसाब से सवाल पूछना होगा, और उसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है पंकज जी। जफर साहब आप जल्दी से जवाब दीजिए, बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं जी बोलिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि देखिए मनोज पांडे जी ने उठाया था जीएसडीपी का सवाल। आप देखिए मनोज पांडे जी के पहले क्वार्टर में 20% के आसपास जीएसडीपी हमारे उत्तर प्रदेश की रही है। उसके बाद भी लक्ष्य जो हमारे मुख्यमंत्री जी का है कि आज 6-7% उन्होंने जब छोड़ा था तो किस तरह से जीएसडीपी थी, कितना 5% कंट्रीब्यूशन था नेशनल जीडीपी में, आज 8% से ज्यादा है नेशनल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो स्टेट की जीएसडीपी की वजह से। और 20% का हमने जो अपना टारगेट रखा है, 20% का कंट्रीब्यूशन नेशनल जीडीपी का, जो 20% कंट्रीब्यूशन उत्तर प्रदेश आएगा, उसी लिए हमने जो इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस किया, हमने जो बाहर की कंपनियों को यहां आमंत्रित किया, हमने जो विदेश से निवेश किया, इतने एमओयू साइन किए, इतने सारे कंपनियां आ गई चाइना से, बहुत सारी कंपनी उत्तर प्रदेश में। अरे खाद की कीमत और रसोई गैस की कीमत बताइए महोदय। अरे चुप रहो, एक मिनट सुनो, खाद की कीमत सब बता रहे हैं, सब बता रहा हूँ, खाद की कीमत क्या है? अरे आप मानसिक संतुलन, आप मानसिक मानसिक संतुलन खो गए क्या? मैं बता रही हूँ आपको, बेचैन क्यों हो रहे? इन्वेस्टर समिट मत बताइए, खाद की कीमत क्या है? पंकज जी ये बताइए सर, खाद को लेकर लाठियां क्यों चल रही है लखनऊ में बेरोजगारों पर लाठियां क्यों चल रही है, इसका जवाब दीजिए। मनोज पांडे जी ने आपसे पहले सवाल किया था, सुनिए, मनोज पांडे जी ने आपसे पहले सवाल किया था, आप ही तो यहाँ पर नहीं बैठे अकेले पैनलिस्ट, आप ही अकेले पैनलिस्ट बैठे हुए नहीं, आप जरा सुनिए, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, लाठियों से मारा जा रहा है। अरे भाई आज मैं सवाल, ठीक है, ये तू समय से आगे बढ़ते हुए मनोज पांडे जी सीधे आपके पास आते हुए, ठीक है सर, हो गई दोनों लोगों की, हो गई बात, ठीक है सर, हो गई।